तो फाइनली पेपर वाज डन। एनसीयूसी का बताना है कि कराची हैदराबाद समेत अच्छा बात सुन, मैं हैदराबाद आ रहा हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम भाई बहनों, तो क्या हाल चाल यार, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज हम आए हुए हैं जी हैदराबाद का सबसे मशहूर दुला पका पराठा खाने, एंड हमारा आज का नाश्ता यहीं से होगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे ये बनाते हैं और क्या क्या इनका प्रोसेस होता है। पचास साल से चल रहा है ये काम, सबसे मशहूर है। जिसने इसको आजाद करा था उसका भी इंतकाल हो गया, अब ये काम चला रहे हैं, बेटे चला रहे हैं, पोते चला रहे हैं। ये दुल्हन पराठा, ये मीडिया ने रखा था इसका नाम। ये बड़ा एक वो अजीब सा नाम लगता है कि नए बंदे को जो सुनता है ना, हाँ। कि उनके जहन में पता नहीं क्या आता है ये सुन के। प्राइस इसकी 250 रुपये, 300 रुपये, माल का फर्क होता है इसमें। तो हमें आप एक बना दें अच्छा सा। तो हमारा पराठा आ चुका है और अभी खा के इसको टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसा है। इसमें काफ़ी कुछ इन्होंने ऐड किया हुआ है, मक्खन हो गया, अंडा, काफ़ी चीज़ें ऐड की हुई हैं। बहुत मज़ेदार है यार। तो यार हमने नाश्ता कर लिया पराठे का, यकीन करें ये इतना हैवी था कि हम दोनों ने मिलके खाया, मैं और मेरे साथ मेरा मामू था, तो हम दोनों ने मिलके खाया तब भी हमारा पेट जो है ना फुल भर चुका है। तो समझ लें कि इतना ये हैवी था, लेकिन वर्थ इट था। इतने मसाले उन्होंने ऐड किए हुए थे और इतना लजीज था। कि ये एड्रेस मैं आपको थोड़ा समझा दूँ, ये हैदराबाद में कोई शाही बाज़ार है, उसके अंदर गलियों में जाकर कहीं ये मिलेगा आपको। आप गूगल पे लोकेशन डाल देंगे तो आसानी से आपको मिल जाएगा। तो बस यार यही था आज का व्लॉग, उम्मीद है व्लॉग आपको पसंद है। अगर पसंद है तो लाइक करना, ज़्यादा पसंद है तो शेयर करना, अगर और ज़्यादा पसंद है सब्सक्राइब करना, अगर और ज़्यादा पसंद है दोस्तों को बताना। तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।